बारहवीं क्लास का आपका रिजल्ट आ चुका है। बारहवीं क्लास को जब हम लोग पास करते हैं तो हर पास होने वाला कैंडिडेट या फिर आपका बच्चा के मन में ये डाउट जरूर आता है कि अब बारहवीं तो कर लिया, बारहवीं में पास भी हो गया, अब आगे क्या? आगे आपको तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी में जाना है, परिवार की परिस्थितियाँ कैसी, कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छे से पता होती हैं। जिम्मेदारियाँ भी बहुत आने वाली होती हैं आने वाले समय में। तो इन सभी चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो एक डाउट आता है कि अब आगे क्या करें। जब मैं भी आपकी एज में था, जब मैं 12th पास किया था, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आई थी कि 12वीं के बाद मेरे पास कौन कौन सी सरकारी नौकरी में जाने के लिए मेरे पास विकल्प है। हालांकि उस टाइम कोई ऐसा बताने वाला नहीं था जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ मेरे पास इतने सारे विकल्प हैं, मैं बजाय ग्रेजुएशन के, ग्रेजुएशन तो चलने दो, उसके पहले ही मैं सरकारी नौकरी में जा सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में यही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि 12वीं के बाद, अभी हाल ही में अगर आपका रिजल्ट आया और आप 12वीं में आप पास हुए हो, तो 12वीं के बाद सरकारी नौकरी में जाने के आपके पास कौन कौन से विकल्प ओपन हो जाएंगे या फिर आपके लिए खुल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं 12th के बाद आपकी संपूर्ण जानकारी, अब अगर आप 12वीं पास हो तो आप कहाँ कहाँ अपनी सर्विस, कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे सकते हो या फिर कहाँ कहाँ अपनी सरकारी नौकरी का में जाने का सपना पूरा कर सकते हो। तो यहां पर मैं चार कैटेगरी की बात करूंगा। सबसे पहला कि भाई रेलवे में नौकरी, क्या 12वीं के बाद भी आप रेलवे में जा सकते हो, नौकरी कर सकते हो। सेना में नौकरी मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर आपका केंद्र की नौकरियां, सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्या 12वीं के बाद अपनी सर्विस या फिर नौकरी वहां पर कर सकते हो। इसके बाद मध्य प्रदेश जैसे स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपका पीईबी व्यापम जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, क्या यहां पर भी आपका 12वीं के बाद सिलेक्शन हो सकता है, कौन कौन सी पोस्टों में आपका सिलेक्शन हो सकता है, सारी A to Z यहाँ पर हम लोग जानकारी लेने वाले हैं, जानकारी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो क्लास को, वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रेलवे में अगर आप 12वीं पास किए हो तो रेलवे में जाने के लिए आपके पास, मतलब रेलवे में नौकरी करने के लिए आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी रहेंगी, कौन कौन से आपके पास विकल्प रहेंगे। तो यहां पर बेसिकली मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है रेलवे को। एक रहेगा आपका ग्रुप डी जॉब्स, मतलब जो ग्रुप डी की जॉब्स हैं, ग्रुप डी की जो आपकी जॉब्स हैं उनमें आपका 12वीं पास होना कंपलसरी है, या फिर कोई कोई पोस्ट आपकी 10th से भी आ जाती है। जैसे आपका की मैन हो गया, फिटर हो गया, स्विचमैन हो गया, ट्रैक मैन हो गया, हेल्पर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर जितनी भी है। हालांकि इनमें कुछ कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें आपका 10th के बाद, जैसे आप लोग आईटीआई करते हो या पॉलिटेक्निक करते हो, उनसे भी आपकी भरी जाती है, लेकिन कुछ कुछ पोस्टों में 12वीं के बाद भी यहाँ पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर आपकी कैटेगरी की पोस्ट जो रहेंगी, इनमें भी आप 12वीं के, सबसे बड़ा डाउट तो बच्चे के मन में यही होता है कि भाई एनटीपीसी में केवल हम ग्रेजुएशन के बाद ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई, एनटीपीसी में भी 12th के बाद आप जा सकते हो। किन पोस्ट के लिए जा सकते हो? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, ठीक है, अकाउंट्स के लिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर टाइम कीपर के लिए, ट्रेंड क्लर्क के लिए जिसे आप टीसी बोलते हो या फिर गांव की भाषा में टीटी बोलते हो, जो आपका टिकट चेक करेगा, कमर्शियल्स कम टिकट क्लर्क के लिए, ये पोस्टों पर आप एनटीपीसी के थ्रू भी 12वीं के बाद सरकारी नौकरी का अपना सपना पूरा कर सकते हो। और आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पर टाइपिस्ट लिखा है, क्या टाइपिंग का डिप्लोमा चाहिए? नहीं भाई, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। आप 12वीं पास हो ना, 12वीं के पास फॉर्म भर देना जब वैकेंसी आएगी, ठीक है, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना, बस आपका टेस्ट होगा, मतलब टेस्ट की थोड़ी सी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बस वहीं से आपका सरकारी नौकरी में जाने का सपना पूरा होगा। सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं चाहिए टाइपिंग का। दूसरी अगर मैं वैकेंसी या दूसरे अगर ग्रुप की बात करूँ, सेना में कौन कौन से विकल्प आपके सामने खुलने वाले हैं, सेना मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो सबसे पहले अगर मैं आर्मी की, हाँ, एयरफोर्स की बात करूं तो बेसिकली एयरफोर्स में आपको दो कैटेगरी में यहां पर मौका मिलेगा जाने का। एक रहेगा आपका एक्स ग्रुप, एक रहेगा आपका बाई ग्रुप। अगर एक्स और बाई में मैं डिफरेंस बताऊं तो ये आपका टेक्निकल पोस्ट के लिए रहता है, ये आपका नॉन टेक्निकल के लिए रहता है। जो एक्स ग्रुप रहता है वो केवल और केवल पीसीएम, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो बच्चा अपना 12th पास किया है उसी को मौका मिलता है एक्स ग्रुप में जाने का। अब आप बोलोगे सर एज, भाई एज जितने में आप 12th पास करते हो ना, 17.5 साल में, बस उतना ही आपको मिनिमम एज चाहिए, मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, वो खैर मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। इसके बाद आता है बाई ग्रुप। जरूरी नहीं अगर आप पीसीएम से नहीं हो भाई, दूसरे अगर हो, जैसे आपने बायो से किया, आपने आर्ट से 12th किया अपना, ठीक है, कॉमर्स से 12th किया, तो आप बाई ग्रुप में भी जाकर
अपना एयरफोर्स में जाने का सपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, आर्मी की बात करूं, मैं आर्मी की बात करूं तो इंडियन आर्मी के अंदर आपका रेलिया रेली में भर्ती होती है आपकी, जिसमें आपका सारी कैटेगरी में आ जाता है। जैसे अगर आपने पीसीएम किया है, पीसीएम ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने किया है, तो आप एईसी में जा सकती हो। एईसी जैसे आप आर्मी इंजीनियरिंग सर्विस बोलते हो। अगर आपने पीसीबी किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप एएमसी में जा सकते हो, आर्मी मेडिकल कोर। अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं, आप केवल 12th पास हो, ठीक है, 12th मतलब आर्ट कॉमर्स से, तो आप जीडी में भी जा सकते हो। जीडी मतलब जिसे आप बोलते हो जनरल ड्यूटी, या फिर कहीं ना कहीं से ग्राउंड ड्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका आर्मी में जाने का सपना यहाँ से ओपन हो सकता है। अगेन एज वही क्वालिफिकेशन रहेगी जो आपका 17.5 साल में, जितने में आप तो अपना 12th पास करते हो, 17.5। नेवी की बात करूं तो नेवी में यहाँ पर आपके पास चार विकल्प खुल के आते हैं। सबसे बड़ा जो टेक्निकल पोस्ट रहेगा, जो रहेगा आपका डबल ए, जैसे आप लोग आर्टिफिशर अप्रेंटाइस बोलते हो, फिर रहेगा आप इसके बाद आपका सीनियर सेकेंड रेट रिक्रूट, ठीक है, एसएसआर जैसे आप बोलते हो, फिर आप एमआर, ठीक है, और यहाँ पर आपका एनएमआर। अब सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने ये रहेगी कि सर ये तो बता दिया कि यहाँ यहाँ हम जाकर हम लोग अपनी सरकारी नौकरी में का सपना पूरा कर सकते हैं, अब इनकी वैकेंसी कब आती है? भाई इनकी साल में 2 बार वैकेंसी आती है, 2 बार आती है, हर बार, हर साल में 2 बार वैकेंसी आती है। एक तो आपका फरवरी के समथिंग आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, और एक अभी जब आपका 12th में, अभी 12th का जो अभी रिजल्ट आया है, अभी आपको कुछ टाइम बाद ये भी देखने को मिल जाएगा, मतलब 12th के रिजल्ट आने के तुरंत बाद। मेरे साथ के कई लोग थे, मेरे साथ के स्कूलमेट, मैं क्लासमेट की बता रहा हूँ, जो भाई 12th का रिजल्ट आया, प्रॉपर उन्हें गाइडेंस मिला, आज वो अपना डबल ए में अपनी सर्विस दे रहे हैं, डबल ए में नौकरी कर रहे हैं, एसएसआर में अपनी नौकरी कर रहे हैं। मतलब जैसे ही वो 17 साल के थे, 17.5 साल में आप लोगों ने 12th किया, पहली जब डबल ए की, ठीक है, डबल ए की या एसएसआर की वैकेंसी आई, उन्होंने वो फॉर्म फिल किया, ठीक है, और उसी में उनकी नौकरी लग गई। ऐसे बहुत सारे आपके सामने भी आने वाले समय में एग्जाम्पल आएंगे, तो उन आपको एग्जाम्पल में खुद को रखना है, ताकि दूसरे लोग आपका वो एग्जाम्पल लें, ठीक है। तो ये सारे आपके सेना में जाने के साथ आपकी सारी विकल्प हैं। अर्धसैनिक की अगर मैं बात करूं, जैसे आप पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हो, ठीक है, अर्धसैनिक की बात करूं, या फिर केंद्रीय, या फिर आपकी सेंट्रल पुलिस फोर्स जो आपके रहेंगे, तो उसमें आपका एक एग्जाम होगा जो एसएससी कंडक्ट कराता है, और इसके अंदर एक पोस्ट आता है, एक डिपार्टमेंट है आपका जीडी, या फिर आपका एक पोस्ट रहता है जनरल ड्यूटी या फिर ग्राउंड ड्यूटी। अब यहां पर भी आप अपना सेना में जाने का सपना पूरा कर सकते हो, जिसके अंदर आपकी बीएसएफ हो गया, आप लोगों ने सुन रखा होगा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, ठीक है, इनमें भी आप अपना सरकारी में नौकरी में जाने का सपना पूरा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दिल्ली पुलिस का आपका जो एसएससी के अंडर ही आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद हेड कांस्टेबल का जो अभी हाल ही में आपका नोटिफिकेशन आया, जिसका सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, हेड कांस्टेबल आपका मिनिस्ट्रियल। इसके बाद आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO TPO, जिसका आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, और नवंबर में इसका एग्जाम है, नवंबर में इसका आपका एग्जाम है, और 4 जुलाई के समथिंग इसका आपको, 4 जुलाई को, मतलब 4 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखना, क्योंकि ये आपके सामने ना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल AWO TPO की, ठीक है। तो 4 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आएगा, और नवंबर में इसका एग्जाम होगा। अभी आपके सामने यही एग्जाम टारगेट आपको करना है। इसकी तैयारी कैसे करोगे? तो भाई सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देके रखा होगा परीक्षा के एप्लीकेशन का, तो वहां पर परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर आप परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, ठीक है, वहां पर इसका आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा, वहां से जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप परीक्षा का ही वीडियो कोर्स लो, आपको यहाँ का लेना है वहां लो, लेकिन आप ये गलती मत करना कि अभी ये टाइम आप ऐसे ही निकल जाने दो और फिर बाद में आपको इस बात टाइम का पछतावा हो। आपको यहाँ से तैयारी करनी, आप करो, लेकिन इस टाइम पर जुड़कर आप अपनी तैयारी करो, तो यहाँ से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। इसके बाद आरपीएफ कॉन्स्टेबल, जो हाल ही में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है आरपीएफ कॉन्स्टेबल का, ठीक है, तो यहाँ पर आप 12th के बाद अर्धसैनिक बल में भी, या फिर आप केंद्रीय जो आपका सेंट्रल पुलिस है वहां पर भी आप जा सकते हो। इसके अलावा दूसरा, आपकी सेंट्रल में कौन कौन सी नौकरियां हैं आपके पास, मतलब केंद्र की नौकरियां जिन्हें आप बोलते हो, तो केंद्र की जैसे ही नौकरी की बात आएगी ना, तो आपके सामने एक ही नाम आता है एसएससी,
स्टाफ सिलेक्शन आपका कमीशन। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आप 12th के बाद कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो, तो सबसे पहले रहेगा भाई आपका एसएससी सीएचएसएल, जिसे आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल बोलते हो। इसके अंदर कौन कौन सी पोस्टें रहती है, जैसे आपका यूडीसी हो गया, ठीक है, एलडीसी हो गया आपका, पीए मतलब पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस, ठीक है, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऐसे मतलब आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही पोस्ट है, पीए और ऐसे मतलब पोस्ट ऑफिस के अंदर आती है। पोस्टल असिस्टेंट मतलब आपका पीए, सॉर्टिंग असिस्टेंट मतलब आपका ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपका एक और एसएससी एग्जाम आपका कंडक्ट कराएगा, एसएससी एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग का, 10th पास आपका नोटिफिकेशन रहता है, वैकेंसी रहता है, इसमें भी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। हालांकि एज इसमें 18 मांगते हैं, और जब तक ये नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप 18 साल के हो चुके होंगे। नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा, थोड़े मतलब 4 से 5 महीने में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तब तक आप 18 साल के हो जाओगे, मतलब ये सारे फॉर्म आप फिल कर सकते हो। दूसरी बात फिर रहेगा आपका एसएससी सहायक, एसएससी ग्रेड 3 और आपका ग्रेड 4, ग्रेड डी स्टेनोग्राफर, जैसे आप एक नाम से जाते हो एसएससी स्टेनोग्राफर। अब जैसे ही आप लोग नाम पढ़ोगे ना एसएससी स्टेनोग्राफर, मतलब आपके मन में आएगा क्या सर यहाँ पर स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट चाहिए? बेटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपके सामने एक पेपर आएगा, पेपर आएगा, आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना है, आपको इस पेपर को पास करना है, फिर पर्याप्त आपको एक टाइम दिया जाएगा एक टेस्ट के लिए, और वो टेस्ट होगा आपका कौन सा, स्टेनोग्राफर का। मतलब अगर आप पेपर को पास कर लेते हो और तुरंत उसके बाद स्टेनोग्राफर सीखने लग जाते हो ना, तो भी आपका आराम से ये टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, केवल और केवल इस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना है। आपका जो सिलेक्शन होगा वो इस पेपर पे बेस्ड होगा, मतलब सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, आपको बस टेस्ट को, आपको उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, बस क्वालिफाई करना, उसका मेरिट में कोई योगदान नहीं है कि हाँ आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टेनोग्राफर आती है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने अभी एसएससी मतलब आपका सेंट्रल पुलिस फोर्स पर, या फिर आपका सॉरी केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से एग्जाम है जिनमें आप 12वीं के बाद डायरेक्ट जॉब ले सकते हो, डायरेक्ट आप अपनी सरकारी नौकरी ले सकते हो। सबसे पहला तो भाई अवेटेड मतलब मोस्ट एक्सपेक्ट आपका वेटेड एग्जाम जो हर कोई इंतजार करता है वो रहेगा आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल। इसके बाद आता है आपका जेल प्रहरी, ठीक है। इसके अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर का जो आपका जीडीसी जीडीएस का पोस्ट आया वो भी आपका आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अच्छा दूसरी बात, भले ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है इंडियन पोस्ट ऑफिस का जीडीएस, लेकिन ये राज्य वाइज आता है, मतलब एमपी का अलग आया है, दूसरे राज्यों का अलग आया है। फिर रहेगा आपका फॉरेस्ट गार्ड, और फिर रहेगा आपका ग्रुप के एग्जाम। अब ध्यान से समझना ये ग्रुप के एग्जाम कौन से होते हैं। देखो व्यापम के अंदर जैसे मध्य प्रदेश की जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो आपका जो बनडे एग्जाम है जैसे सी और डी पोस्ट के लिए व्यापम इनका एग्जाम कंडक्ट कराता है, और व्यापम बहुत सारे ग्रुप्स में अपना एग्जाम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब बांटता है। जैसे आपका आप लोगों ने सुना होगा ग्रुप टू सब ग्रुप फोर, ग्रुप फोर साई ग्रेड थी, ग्रुप टू ग्रुप वन, ग्रुप टू ग्रुप टू, ठीक है, ग्रुप टू ग्रुप थ्री, इस तरीके से। तो हर ग्रुप के मतलब जितने भी ग्रुप के एग्जाम आते हैं उनमें कुछ कुछ डिपार्टमेंट में कुछ कुछ पोस्ट के लिए 12th पास से भी बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा हर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन हाँ कुछ पोस्टों के लिए आप 12th पास से भी वहां पर एलिजिबल हो जाओगे, मतलब आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और एज वही रहेगी आपकी 18 साल, मतलब 12वीं के बाद आप बहुत सारे ग्रुप के एग्जाम्स को भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका एमपी पुलिस एलडीसी एएसआई का, और फिर आएगा आपका सूबेदार का। हालांकि सूबेदार के लिए आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप स्टेनोग्राफर से सूबेदार का डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो आपका एलडीसी एएसआई है इसमें आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए और आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए, जिसे आप सीपीसीटी बोलते हो, ठीक है, तब ये आप पोस्ट पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब ये भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप ये दोनों चीजें निकाल कर 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 पूरा फिर इनके फॉर्म भी फिल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। अब आप इनकी तैयारी कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हो ना तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये यहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब यहाँ के जो यूट्यूब का जो सेशन है
आप जुड़कर अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सारी क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। आपका 11 बजे से आपका कंप्यूटर का रहेगा, ठीक है, 12 बजे से आपका मैथ्स का रहेगा, 1 बजे से आपका हिंदी रहेगा, 1:30 बजे से आपका MPG के, 2:30 बजे से आपका मिसलिनियस का पार्ट, और हर सैटरडे आपका शाम को 3 बजे से आपका इंग्लिश का क्लास पर डे आपका चलेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ से आप ना एक रिदम में आ जाओगे, एक फ्लो में आ जाओगे कि हाँ तैयारी एक्चुअली है क्या, क्योंकि 12th के पहले आपको कुछ भी नहीं पता कॉम्पिटिटिव तैयारी का या कॉम्पिटिटिव आपके लेवल का एग्जाम का कुछ भी नहीं आपको पता, लेकिन यहाँ से आप वो सारी चीजें सीख सकते हो। हाँ, अगर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है, आपको बिल्कुल अपने सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है, बिल्कुल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, ठीक है, परीक्षा के एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखे रखा है। वहां पर जो भी आप एग्जाम की तैयारी करोगे, हर उस एग्जाम का आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा, उसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा बिल्कुल नॉमिनल फीस में, कोई ज्यादा आपसे वहां पर फीस ऐसा कोई ज्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नॉमिनल फीस में जो हर बच्चा अफोर्ड कर सके, बिल्कुल एक बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट फैकल्टीज के साथ वहां पर जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और जरूरी नहीं, मैं आपको फिर बोलूंगा कि भाई मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप परीक्षा का ही वीडियो कोर्स लो, अगर आपको कहीं और का लेना है तो आप वहां का भी ले सकते हो, लेकिन ये जो टाइम है ना, इस टाइम को आप ऐसे मत जाने देना कि आप घर बैठे केवल देख रहे हो कि हाँ कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। मैं आपको फिर वही बात बोलूंगा, आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं जब आप बोलोगे, जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, जब मैं स्कूल टाइम में था, बहुत सारे 12th के बाद मेरे साथ के दोस्त थे जो क्लासमेट थे, जो 12th के रिजल्ट आने के 6 महीने के बाद SSR या फिर EE या फिर किसी दूसरी पोस्ट जैसे MP पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट हो गए। तो एग्जाम्पल ऐसा आपके लिए लोगों को देना चाहिए, मतलब आप उन एग्जाम्पल का एक पार्ट बनो, ताकि आपके जो क्लासमेट है वो आपका एग्जाम्पल दें कि भाई जैसे ही 12th का रिजल्ट आया ये भाई नौकरी लेके चला गया। तो ये टाइम आप लोगों को इस तरीके से नहीं जाने देना है। तैयारी आप YouTube से भी कर सकते हो, तैयारी आप अपने एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको देके रखा है। चलो, इस क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ, और अगेन अगर आपका इस कोई भी एक पर्टिकुलर वैकेंसी को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है, या आप चाहते हो कि भाई डिटेल जानकारी इसकी चाहिए मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जितने भी बच्चे आपके साथ के हैं, जितने भी आपके साथ के 12th पास किए हैं, आपका दायित्व है कि भाई इस वीडियो को आप उन सभी बच्चों तक फॉरवर्ड करो, ताकि जिस तरीके से बाकी के लोग भटक रहे हैं वो ना भटकें। हर बच्चा अपना अभी से एक अपना टारगेट फिक्स कर सके कि आने वाले इतने समय में उसके पास एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। चलो, इसे लाइक करना है आपको, शेयर करना है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।